एक्शन कैमरा। नमस्कार साथियों, तो जैसा कि आपको मालूम है, काफी टाइम पहले जब मैंने एक फोन लिया था दिसंबर में, तो श्रीमती जी ने कहा था कि उसका एक रिव्यू भी बनेगा। अब उसका पहले तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि रिव्यू बनाने का, लेकिन जब से मैं उसके व्यवहार से त्रस्त हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि एक बार उसका बना ही दिया जाए रिव्यू, ताकि अगर आप ले रहे हैं तो आप उससे पहले डिसीजन ले सकें। वैसे मैं ऐसे कोई एक्सपर्ट या टेक्निकल गुरु तो हूँ नहीं जो ऐसे रिव्यूज लगातार बनाऊँ, लेकिन वो पर्सनल यूसेज और 2-3 फ़ोनों का कंपैरिजन जो मैंने रिसेंटली हमने किया है उस पे बेस्ड है। तो मेरे यहाँ पे 3 फ़ोन लिखे हुए हैं, रॉक 3 जो लास्ट ईयर दिसंबर में हमारे पास आया था, फिर S20 Plus जो लास्ट ईयर मार्च में श्रीमती जी के लिए लिया था, और मेरा पुराना फ़ोन Mate 10 Plus Pro। ये Mate 10 Pro है जो 2017 दिसंबर में लिया। अब क्योंकि मेरे सारे फ़ोनों में हिस्ट्री रही है 2.5 से 3 साल में, वो सडनली ख़त्म होते हैं। इससे पहले V10 था, LG V10, वो 2017 दिसंबर को सडनली अपने आप पता नहीं क्या हुआ उसे डेथ ऑन अराइवल हो गया। उससे पहले मेरे पास नोकिया लूमिया था 1620 या 1520 जो उसका फैबलेट लॉन्च हुआ था 2014 में, वो भी सडनली ऐसे 2016 में 2 साल के बाद ख़त्म हो गया था। तो मैंने उसी प्रिकॉशन पे कि अब इसके 3 साल हो गए हैं, दूसरा फ़ोन ले लेना चाहिए, तो ये लिया था ROG Phone 3। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक कंपैरिजन दे दें, फिर आप वैसे तो अब ROG 5 भी लॉन्च हो चुका है, S20 के बाद S21 भी सीरीज़ आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई उसी सीरीज़ में भी लेना चाहेगा तो उसे एक आइडिया रहेगा कि ये किस तरह के फ़ोन हैं, और हुआ भी Mate Pro सीरीज़ में भी। तो अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड में जनरली है कि जब आप फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, या आप डिफरेंट ऑपरेशन या आप मल्टीपल विंडोज़ में काम कर रहे हैं, तो कौन सा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ROG और सैमसंग दोनों 8GB रैम के साथ हैं, और Huawei जो है वो 4GB रैम के साथ है, तो उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस में Huawei के फ़र्क पड़ा है। और Huawei का जो प्रोसेसर है वो Kirin सीरीज़ का, जो उस समय उन्होंने लेटेस्ट लॉन्च की थी विद AI, तो अब लेटेस्ट डिवाइसेस के साथ में नेचुरल है उसकी स्पीड कम होगी। तो Mate 10 को मैं 6.5 दूंगा मार्क्स स्पीड में, S20 Plus को मैं कहूँगा कि हाँ ये 8 मार्क्स के अप्रॉक्स है, और जो ROG है उसकी स्पीड इन सब में फास्टेस्ट है, वो वैसे भी ओवरक्लॉक्ड स्पीड है उसमें जो उसका प्रोसेसर है उसकी। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें, तो जो डिस्प्ले है वो इन जनरल Huawei Mate 10 Pro और जो ROG 3 है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। PPI पिक्सल्स इनफैक्ट Huawei Mate 10 Pro के थोड़ा सा ज़्यादा हैं, और दोनों ही FHD+ डिस्प्ले के हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो बेस्ट डिस्प्ले है वो सैमसंग S20 Plus का है। इनफैक्ट जो ये वीडियो भी बन रहा है वो S20 Plus के थ्रू ही बन रहा है। मैडम का कहना है कि GoPro में लाइटिंग सही नहीं आ रही है इस समय। तो डिस्प्ले के हिसाब से अगर हम कहें तो मैंने ROG 3 को दिए हैं 7। इनिशियली इवन जब भी हमने लिया भी था तो इसमें ब्लैक कलर की कुछ सैचुरेशन के इश्यूज थे, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ही थोड़ा सा ख़त्म हुआ, और क्योंकि ये नाइजीरिया में लॉन्च नहीं हुआ था, जिसके सॉफ्टवेयर अपडेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी मुझे ट्विटर पे, जब मैंने उन्हें मैसेज किया उसके बाद ही मुझे उसका पैच मिला था। तो डिस्प्ले में मैं इसको 7 दूंगा, S20 Plus का डिस्प्ले काफ़ी बेटर है, और Mate 10 Pro 7.5 मैं कहूँगा। अगर हम गेम्स की बात करें, तो गेम्स ही एक ऐसा फीचर है जहाँ पे कि ये बेस्ट परफॉर्म करता है। इसके डेडिकेटेड शोल्डर बटन्स भी हैं, और जो टच सेंसिटिविटी है वो फास्ट गेमर्स के लिए, और जो फास्ट रिफ्रेश रेट है वो गेमिंग में इसे बहुत हेल्प करता है, तो गेम्स में इसे हम 10 देते हैं। बट सैमसंग S20 Plus बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं एक प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया है। हाँ, Huawei जो है वो जो नए गेम्स हैं जिनमें हैवी ग्राफिक्स हैं उसमें काफ़ी लैग करने लगा है, तो गेम्स में मैं उसे 6.5 ही प्रेफर करूँगा 7 की जगह, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा क्योंकि उसकी रैम भी 4GB है, वो काफ़ी लैग करता है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स मेरे समझ से सैमसंग और Huawei Mate सीरीज़ के बेस्ट हैं। इनफैक्ट Huawei जब हमने ये Mate 10 Pro लिया था, इसके साथ मैंने Mate 10 भी लिया था श्रीमती जी के लिए, जो बच्चों ने तोड़ दिया है ऑलमोस्ट, उसे हम वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं, तो
उसको अभी तक सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं, जिसको तो मिल ही रहे हैं, अब 3 साल हो चुके हैं, जबकि 3 साल ज़्यादा तो लॉन्च हुए हो चुका है सैमसंग, 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्लस जो OS अपडेट्स हैं एंड्रॉयड के वो देता है। जो रॉक के मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं उसमें वो 1 साल के बाद हैंड, और मैंने भी जब से लिया है इसमें एक बार वो सिस्टम अपडेट हुआ था जब मैंने ट्विटर पे कंप्लेन की थी, और उसके बाद एक बार और हुआ है। तो जो अगर हम जनरल फीडबैक पे चलें तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हम इसे कह सकते हैं कि अगर 5 पॉइंट्स पे चल रहा है तो इन दोनों को हम 10 और 10 दे सकते हैं, क्योंकि ये इनफैक्ट हुआवे को तो LG का हुआवे को गूगल का सपोर्ट ख़त्म होने के बाद भी वो जो पुरानी डिवाइसेस जो उस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंडर रखी गई हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट्स दे रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद जब उनका अपना नया डिवाइस आएगा पर्सन उनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शायद वो तब तक देते रहेंगे, इसमें मैं हुआवे को काफ़ी प्रेस करूँगा। फिर अगर हम स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की बात करें तो ROG 3 और S20 Plus में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि ROG 3 की स्किन कोई बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं है और नेचुरल है कि सैमसंग और हुआवे की अपनी GUI इंटरफेस काफ़ी हैवीली रहता है। इसमें भी हुआवे थोड़ा सा पुराना है तो और उसके उतने अपडेट्स अब नहीं आ रहे हैं GUI अपडेट करने के लिए, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, फ्लिकिंग करता है कभी कभी। तो उस हिसाब से अगर हम चलें कि अपडेट्स तो हम इसे देंगे एंड्रॉयड के लिए 8 मार्क्स, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये थोड़ा सा अब लैग कर रहा है, 3 अब उसकी उम्र का भी तकाजा है, तो थोड़ा सा वो आगे के साथ प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब अगर हम डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो हुआ भी मैं कहूँगा इन तीनों में बेस्ट रहा है। ये मैं बहुत रफ फ़ोन यूज़ करता हूँ, जनरली बच्चे भी इसको कई बार इधर उधर खेल इधर उधर फेंके होंगे, लेकिन इस पर आज तक एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा है और जैसा ये था वैसा ही है, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बेस्ट है। सैमसंग S20 Plus श्रीमती जी का 2-3 बार गिर चुका है, अब तो उसका जो पीछे कैमरे के ऊपर जो ग्लास लगी होती है वो भी क्रैक हो चुकी है। इसका अभी इतना क्योंकि मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, ये केवल कॉल करने या तो कभी कभी व्हाट्सएप के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर जूम सेशंस और जो भी हैं वो मैं इसी फ़ोन से अभी भी कर रहा हूँ, तो इसका उतना रफ यूसेज नहीं है। बट हाँ, जो इसके साथ ये कवर आता है ये बहुत ही फ्लिमसी है, इससे आप कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा रिलायबल रहेगा। तो अगर हम बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो मेट 10 जो है वो बेस्ट रहेगा, इसको हम 9 दे सकते हैं, और इसको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से 7.7.5 इक्वल रहेंगे। 5G सपोर्ट एक लास्ट ईयर जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए सब में 5G रहा है, मेट 10 प्रो में नहीं है, और जो 5G सपोर्ट भी है वो यूज़लेस है क्योंकि कई कंट्रीज़ में 5G है नहीं, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भी नहीं है, और जिस फ्रीक्वेंसी में 5G इनमें डाला गया है वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कंट्रीज़ में रहेगी भी नहीं, तो वो यहाँ पे है नेम सेक के लिए, बट उसके मैंने कोई पॉइंट्स नहीं देंगे, हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, मालूम भी नहीं उसका क्या बेनिफिट होगा। इनफैक्ट 4G की ही जो मैक्सिमम स्पीड है वही कई सारी कंट्रीज़ नहीं दे पा रही हैं, तो 5G तो बहुत दूर की चीज़ है अभी। फिर अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड एक ऐसा फ्रंट है जिस पे ROG काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये गेमिंग डिवाइस है तो इस पे टॉप पे और बॉटम पे फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं, साउंड काफ़ी बेटर है, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट सेपरेट अगर मूवमेंट है तो उसके हिसाब से भी साउंड मिलता है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहती है साउंड में, मैं कहूँगा कि हाँ, और थोड़ा लाउड भी रहता है, क्लैरिटी भी है, तो साउंड के हिसाब से मैं कहूँगा कि ये बेस्ट है। सैमसंग थोड़ा सा पीछे होगा और मेट 10 उतना क्लियर नहीं है, हो सकता है जो नई सीरीज रही हो मेट 20 या 30 वो काफ़ी अच्छी रही, इनफैक्ट तो मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे उसके हिसाब से तो मेट 30 और 40 काफ़ी बेटर थे। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसकी वजह से मैंने ये फ़ोन लिया था, क्योंकि मैं एक ब्रांड पर रिलाई नहीं करता और मैं हर बार एक डिफरेंट ब्रांड का ही लेता हूँ, और जब ये इसका रिव्यू देखा था ये 6000 mAh की बैटरी के साथ था, और उससे पहले मैं मेट 10 प्रो यूज़ कर रहा था, इसकी बैटरी 4000 mAh थी जब ये लॉन्च हुआ था, इनफैक्ट इनिशियली तो मैं इसे डेली चार्ज भी नहीं करता था, इतना इसकी बैटरी इतनी बेटर थी, और सेम इसके साथ भी है, जितना जिस तरह से मेरा यूसेज है अगर मैं एक दिन इसे यूज़ करता हूँ तो
आराम से 2 दिन इजीली चल जाता है। उसके अलावा फिर इसमें बैटरीज की थोड़ा सा गिमिक्स भी है, जैसे आप स्लो चार्ज कर सकते हैं, आप 80% चार्ज कर सकते हैं, आप 90% कर सकते हैं, आप स्पीड चार्ज कर सकते हैं, आप फुल चार्ज कर सकते हैं। और जो लोगों का कहना है वो है कि अगर आप 80% या 90% चार्ज करते हैं तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है, और स्लो चार्जिंग भी बैटरी के लिए हेल्पफुल रहती है, वो हीट अप जल्दी नहीं होती है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बैटरी में मैं कहूँगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस ROG फ़ोन की है, उसके बाद सैमसंग जो है वो इसमें लीस्ट परफॉर्मर है। इनफैक्ट उसकी बैटरी और Mate 10 Pro की इक्वल है, बट कंजप्शन सैमसंग का अभी भी ज़्यादा ही है। और जो Mate 10 है मैं उसको 9 मार्क्स दूंगा। इसकी बैटरी 3 से 4 घंटे के जूम सेशन अभी भी ईजीली हेल्ड अप हो जाते हैं, तो बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट, कैमरा। तो कैमरा एक ऐसा फ्रंट है कि जिसमें ROG फ़ोन जो है वो उतना ही अच्छा है जितना कि नोकिया की एंड सीरीज़ हुआ करती थी 2011 और 12 में। कहने को तो उस पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ वाइल। मुझे इसके अगर आप इससे किसी को पिक्चर भेजने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन का पिक्चर भी लेते हैं तो बहुत ही डल इमेज कैप्चर करता है, लाइट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और मतलब अगर आप एक ऑलराउंडर कैम फ़ोन लेते हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कैमरा अच्छा हो, तो फिर आप इसे टच भी मत करिए, ये यूज़लेस रहेगा। तो और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं इस चीज़ के लिए फोर्स हुआ कि मुझे इसका रिव्यू बनाना पड़ा। इसमें मैं कैमरे में इसको दूंगा 4 मार्क्स। सैमसंग का कैमरा बहुत अच्छा है, ये रिव्यू भी उसी पे बन रहा है, आपको क्वालिटी पता चलेगी उससे। इनफैक्ट Mate 10 का कैमरा इससे बहुत बेटर है, जो इनका लेगा सेंसर है वो काफ़ी बेटर है। इस पर लेज़र व्यू फाइंडर भी था, इस वजह से इमेजेस काफ़ी क्लियर आती हैं। तो कैमरा इसका जो है वो बहुत ही बेकार है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को टोटल करते हैं तो इसको हम देंगे टोटल में ये आता है 70.5 पे। फिर इसको है 78.5 पे, और ये वाला आता है 69.5 पे। अगर आप देखेंगे तो Mate 10 Pro और ROG 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैमसंग आउटडन करता है, और शायद Mate की जो लेटेस्ट सीरीज़ अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते तो शायद वो सैमसंग से भी बेटर परफॉर्म कर सकती थी, जो Mate 30 Pro सीरीज़ थी या P40 जो आया था Huawei का। अब अगर हम प्राइस पॉइंट पे देखते हैं तो जब मैंने ये फ़ोन लिया था उस समय मुझे ऑलमोस्ट 41K का पड़ा था सऊदी में, और जब S20 लिया था लॉन्च के टाइम पे तो ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 70K का, और ये वाला फ्लिपकार्ट से था 50K का। मेरे हिसाब से 50K इसके लिए वर्थवाइल नहीं था, क्योंकि ये केवल गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, ये केवल एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट के लिए, जो केवल गेमिंग पे और बहुत अदर जो ऑप्स हैं वो बहुत बेसिक उस पर करें। अदरवाइज़ अगर आप एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरे ब्रांड के लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने लेटेस्ट जो रिव्यू ROG 5 सीरीज़ के भी देखे, उसमें भी गेम जो उसका कैमरा परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार है। गेमिंग के अलावा आपको स्पीड मिलेगी, बट एक जनरल पर्सन के लिए स्पीड काफ़ी है, नॉर्मल फ़ोन जितना देता है, हम उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हाईफाई करने तो जा नहीं रहे। लेकिन ये है कि जब आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने इसकी एक्सेसरीज़ भी ली थी फ्लिपकार्ट से, तो इसकी एक्सेसरीज जैसे कि एक कवर है, ये जब से लगाया ये कंटिन्यूसली बबल होता रहता है। इस कवर में अभी तो शायद आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अभी भी यहाँ से यहाँ तक पूरा फिर से
बबल है, तो इसकी एक्सेसरीज भी कुछ अच्छी नहीं थी। वीडियो के साथ में आपको वो एक्सेसरी जो ली थी वो भी श्रीमती जी डाल देंगी, शायद अब दिखाई दे रहा हो ऐसे करके। तो ये अभी भी यहाँ पे पूरा बना हुआ है, और ये जनरली जितने भी इसके साथ, ये मैंने उस समय दो स्क्रीन प्रोटेक्टर लिए थे, एक मैं ऑलरेडी फेंक चुका हूँ, वो भी ऐसी बबलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, ये दूसरा लगाया है इस पर। मुझे लगता है ये भी फेंकना पड़ेगा क्योंकि इससे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो थैंक यू, आपने इतना समय दिया, अगर इसको आपने देखा है, आप डिसीजन ले सकते हैं अपने हिसाब से। आपको अगर गेमिंग के हिसाब से चाहिए तो हाँ, नथिंग लाइक दैट, बट अगर गेमिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से बैटरी के लिए भी लेना वर्थ वाइल नहीं है इसे, क्योंकि जो फिर आज के टाइम में कैमरा एक काफ़ी की एसेंशियल हो जाता है। जब आप जॉब में भी हो, कई जगह पे आपको लेनी पड़ती हैं पिक्चर्स, और कई जगह पे आपको उसका यूटिलाइजेशन भी करना पड़ता है कि कई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ऑफिस में, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं बोल रही थी आपको हाँ। कि ले लीजिए सैमसंग S20 Plus मेरा हाँ। और मुझे एप्पल दे दीजिए, तब आप सुने नहीं। तो क्या करें, गलती हो गई, गलती को सुधारा जा सकता है अभी। अभी अभी नहीं सुधरेगी, कब सुधरेगी गलती, मेरे बर्थडे पे सुधरेगी, मृत्यु के नजदीक नहीं, मेरे बर्थडे पे आप मेरा ये फोन ले लीजिएगा, मुझे लेटेस्ट सैमसंग का फोन दे दीजिएगा उस वक्त।